गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस में एलसीडी प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। 21वीं शताब्दी वैज्ञानिक युग और तकनीकी का युग है। इसमें सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा जगत में कई ऐसी प्रविधियों, नवाचारों, उपकरणों का प्रयोग करने के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन नवाचारों, पद्धतियों, उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावशाली बनाया है। इसमें एलसीडी प्रोजेक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एलसीडी प्रोजेक्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि किसी इमेज को, किसी मूविंग इमेज को यानी वीडियोस को प्रोजेक्ट करता है, और यह प्रोजेक्शन एक सरफेस पर अर्थात किसी दीवार या एक वाइट स्क्रीन पर या पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है। तो इस प्रकार एलसीडी प्रोजेक्टर वीडियो प्रोजेक्टर ही है। इसमें वीडियोस, इमेज, कंप्यूटर का डेटा को स्क्रीन पर या फ्लैट सरफेस पर, बिल्कुल समतल जगह पर प्रोजेक्ट किया जाता है, चाहे दीवार हो या पर्दा हो, तो उस पर प्रदर्शित किया जाता है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर और OHP प्रोजेक्टर का मॉडर्न वर्जन है। यानी इससे पहले जो वर्जन्स आए थे उसमें OHP था, जो हमने पूर्व की क्लास में या वीडियो लेक्चर में आपने देखा ही है, और स्लाइड प्रोजेक्टर है, उसमें स्लाइड्स बनती हैं। लेकिन इसके अंदर जो इसकी कार्य प्रणाली है वो इन दोनों से अलग है, अर्थात ये आधुनिक है, नवीनतम वर्जन है। इस प्रकार इसमें इमेज डिस्प्ले करने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर टिपिकली लाइट को सेंड करता है, और ये लाइट एक हॉलिड लैम्प के से एक प्रिज्म के द्वारा एक सीरीज में, जिसे डायकोरिक फिल्टर से, उस लाइट को फैला दिया जाता है। यानी जो लाइट आती है उसको प्रिज्म के माध्यम से एक डायकोरिक फिल्टर के अंदर फैला दिया जाता है। ये फैलाव पॉलीसिलिकॉनिक पैनल में होता है, जहाँ तीन रंग, जो बेसिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, इन तीन रंगों के तत्वों को वीडियो सिग्नल देता है। इसके पश्चात ये पॉलीसिलिकॉन पैनल पॉलीराइज्ड पास्ट होता है, और इस पॉलीराइज्ड पास्ट में पॉलीराइजर, एलसीडी पैनल और एनालाइजर्स होते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन वहाँ होता है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन द्वारा इंडिविजुअल पिक्सल ओपन होते हैं। जो पिक्सल दिखाई देते हैं, पिक्सल तो आप सभी जानते होंगे, और ये पिक्सल लाइट को या तो अलो करते हैं या क्लोज करते हैं, लाइट को आने देते हैं या बंद कर देते हैं, और ये पिक्सल लाइट को ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इन पिक्सल का ये यूज़ है। अब ये ओपन और क्लोज्ड पिक्सल की कॉम्बिनेशन एक वाइड रेंज में कलर्स के रूप में या शेड के रूप में स्क्रीन पर, पर्दे पर या फिर दीवार पर प्रोजेक्ट होती है, जिसमें हमें इमेज दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये एलसीडी प्रोजेक्टर कार्य करता है। इसमें अब इस एलसीडी प्रोजेक्टर के लाभ क्या क्या हैं कि इसमें विशेष प्रोजेक्टर मॉडल में हायर कंट्रास्ट रेशो होता है। यानी जो भी स्क्रीन पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही क्लियर होता है, क्योंकि उसका कंट्रास्ट, एक रेजोल्यूशन बहुत ही उच्च कोटि का होता है। साथ ही जो भी इमेज की शेप आती है वो बहुत ही प्रॉपर आती है, ब्लर टाइप में नहीं दिखाई देती। इसमें एलसीडी प्रोजेक्टर जो उपयोगकर्ता है उसकी रेंज में कई प्रकार के एलसीडी प्रोजेक्टर उपलब्ध होते हैं, तो वो अपने अनुसार उन्हें चुन सकता है और अपने टीचिंग में कार्य कर सकता है।
अब इसके कुछ दोष भी हैं कि एलसीडी प्रोजेक्टर लो कंट्रास्ट रेशो भी देता है, यानी जब इसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ खराबी हो जाती है तो इसकी कंट्रास्ट रेशो, जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसकी स्क्रीन की क्लियरिटी नहीं होती, तो उपकरणों का जो डिज़ाइन होता है वह भी क्लियर हमें दिखाई नहीं देता जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इसका वज़न भी अधिक होता है और इसकी आपूर्ति के लिए विद्युत ज़रूरी है क्योंकि बिजली छिछलता है, और जहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है जैसे हमारे ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ इसका प्रयोग प्रॉपर नहीं हो सकता। जितनी ड्यूरेशन में लाइट आती है उसी अवधि में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसके रखरखाव में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और इसके यूज़ के लिए एक दक्ष और कुशल प्रयोगकर्ता होना आवश्यक है। 300 घंटों तक अगर ये प्रोजेक्टर कार्य करता है तो उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में साफ़ सफाई यानी क्लीनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, वरना इसके ख़राब हो जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें कलर डिके की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कलर ब्लर दिखाई देता है, कहीं फेड दिखाई देता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसके अंदर आती है। साथ ही लिमिटेड लाइफ टाइम है, स्क्रीन डोर इफेक्ट, पिक्सल के बीच में लाइन आ जाती है, और पिक्सल कभी विजिबल होता है कभी इनविजिबल होता है, क्योंकि जो इमेज आ रही है वो पिक्सल ही क्रिएट करते हैं, तो पिक्सल कभी कभी तो इमेज को दिखाई देते हैं या इमेज को दिखलाई नहीं देते हैं। और इसमें डस्ट इश्यू भी होता है, अगर 50% कंट्रास्ट रेशो इसमें दिखाई देता है तो उसका कारण है कि इसमें डस्ट आ गई है, तो डस्ट से जो विजिबिलिटी होती है वह बहुत ही कम होती है। इस प्रकार ये अत्याधुनिक रूप है। साथ ही डेड पिक्सल की भी समस्या है, अगर पिक्सल मर गए हैं एक तरह से यूँ कहेंगे तो वहाँ एक ब्लैक टाइप का स्क्रीन दिखाई देता है, तो जो इमेज में एक रूपता एक जो पिक्चर हमें दिखाई देना चाहिए वो पूरा हमें दिखाई नहीं देता है। अब इस प्रोजेक्ट का शिक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें क्लियरिटी बहुत हायर क्वालिटी की होती है, और इससे जो हम वीडियो क्लिपिंग भी दिखा सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं और इमेज भी दिखाई सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर होती है, शिक्षण की शिक्षक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, शिक्षक के व्यावसायिक विकास तथा गुणात्मकता में वृद्धि करता है, इसका यूज़ आता है तो उसकी एक छवि अलग ही बनती है। साथ ही बालकों में एकाग्रता बनी रहती है, ध्यानपूर्वक पूरी लेसन को या पूरी विषय वस्तु को समझते हैं, और प्रोजेक्टर पर प्रस्तुतिकरण के समय छात्रों से बिंदुओं को लेकर या विषय वस्तु को लेकर के हम नोट्स बनाते हैं, उनको नोट्स बनाने की कह सकते हैं। साथ ही इसमें पाठ में गेम भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पजल्स है, प्रश्नोत्तरी है, बीच बीच में ये डाल करके जितना बालकों ने अधिगम किया है उसकी भी हम जांच कर सकते हैं। इसमें टाइमली हम सही समय पर लेसन को पूरा करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल पैटर्न में हम क्या करते हैं, बीच बीच में ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते हैं, या ब्लैक बोर्ड वर्क करने का समय बच जाता है क्योंकि सारा टेक्स्ट विजुअल होता है, ऑलरेडी टाइप्ड किया हुआ रहता है जो दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो ब्लैक बोर्ड वर्क हमें नहीं करना पड़ता, तो टाइम बच जाता है। साथ ही कंटिन्यूसली बालक अधिगम में व्यस्त रहते हैं, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतःक्रिया बहुत होती है, क्योंकि जहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि क्यूरियोसिटी से देखते हैं, वहीं स्क्रीन को आगे मूव ना करके टीचर उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को जो स्टडी से रिलेटेड है उसे दूर करने का प्रयास करता है, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, गलतियों की संभावना कम रहती है। और अंत में जब ये पूरा एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा क्लासरूम टीचिंग हो जाता है, उसके बाद टीचिंग का से संबंधित किस प्रकार से हमारा टीचिंग हुआ है उसके संबंध में, कंटेंट को लेने लेकर के संबंध में, विजिबिलिटी को लेकर के संबंध में, एवोल्यूशन प्रोसेस के संबंध में, या बालकों ने कितना सीखा है इसके संबंध में हम विचार विमर्श करके फीडबैक भी ले सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप भी एक तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण
को प्रभावशाली बनाने का एक माध्यम है, एक उपकरण है, जिसके माध्यम से शिक्षक क्लासरूम टीचिंग करा सकता है। और फिल्म स्ट्रिप LCD प्रोजेक्टर की तुलना में काफ़ी पुराना वर्जन है। इसके अंदर भी हम कंटेंट या विषय वस्तु को स्लाइड के माध्यम से एक के बाद एक प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुतीकरण के लिए हमें भी प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्रोजेक्टर का नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस प्रकार से विषय वस्तु को एक प्रकार की श्रृंखला में 15 से 20 स्लाइडों को एक साथ क्रम के अनुसार हम चलाते हुए दिखाते हैं और शिक्षण कार्य कराते जाते हैं। इस प्रकार से 35 mm की एक फोटोग्राफी फ्रेम की श्रृंखला है। इसमें भी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर या स्क्रीन पर, दीवार पर हम स्लाइड को प्रोजेक्ट करते हैं, और इन स्लाइडों में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं, तथ्य, विषयों का ज्ञान होता है। ये भी एक रील का क्रम है, अंश है। जिस प्रकार से पहले चरखे के रूप में रील चलाई जाती थी, ये एक तरह से रील ही है, जिसमें छोटी छोटी स्लाइड्स में एक एक मूवीज़ के सीन या टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जिसे एक क्रम के रूप में हम चलाते हैं तो मूविंग फ्लो आता है। तो इस प्रकार से वांछित वस्तु को, प्रकरण को हम क्रमवार अनेक चित्र और संदेशों के माध्यम से समझा सकते हैं। फिल्म की तरह ही इसका प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें पारदर्शक सेलोलाइट्स स्लाइड्स होती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि रील के रूप में होती है, तो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले की जो मूक फिल्में होती थी, जिसमें वॉइस नहीं होती थी, वो इसी फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से ही प्रेजेंट होती थी। बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करके वॉल्यूम या आवाज़ डाली जाती थी, जो इस फिल्म स्ट्रिप के साथ साथ ही रिकॉर्डिंग के रूप में चलती थी, तो ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई देते थे। इस प्रकार इसमें जो भी प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल सजीव और रोचक लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कई विषयों से संबंधित फिल्म स्ट्रिप मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही उसको प्रेजेंट करने के लिए जो टेक्स्ट मटेरियल है, गाइडलाइन के रूप में, मैनुअल के रूप में, वो भी उपलब्ध है। शिक्षक उन मैनुअल को पढ़ करके उस फिल्म स्ट्रिप के अंदर के जो टेक्स्ट है उसको समझ करके अपनी क्लासरूम टीचिंग करा सकता है, और शिक्षक द्वारा इसमें अधिक क्षमता के साथ, कार्यकुशलता के साथ शिक्षण करता है। शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और शिक्षक द्वारा वास्तविक शिक्षण की पूर्व अभ्यास और प्रदर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, कि पहले ही रिहर्सल करके एक बार अपनी क्लासरूम टीचिंग को टीचर देख ले, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव हो सके। और अंत में इसमें भी ओपन डिस्कशन होता है, जो भी हमने स्टडी कराई है उसके ऊपर परिचर्चा होती है। इसके लिए शिक्षक को फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का संचालन करना अनिवार्य रूप से आना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण रुचिकर अंतःक्रियाओं में वृद्धि करता है, साथ ही ओपन डिस्कशन से भी विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान होता है। इस प्रकार से फिल्म स्ट्रिप भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने का एक अत्याधुनिक तरीका ही है। शिक्षक को इसे अपने शिक्षण के दौरान प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि इसकी शिक्षक की कुशलताओं में भी विकास हो और उसका व्यावसायिक विकास हो, टेक्नोलॉजी से वो अवगत हो, किस प्रकार से नवाचारों का हम प्रयोग कर सकें। ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपका आज का होमवर्क है कि LCD प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप का सामाजिक विज्ञान विषय में आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।